व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आज जैसा कि आपको पता है, संडे है, 14th ऑफ जुलाई। मैं फ़िलहाल मॉरिशस में हूँ और आज लास्ट डे मॉरिशस में। मेरी फ़्लाइट है शाम को 5:20 पे और मैं हो गया हूँ रेडी और लगेज हो गया है मेरा पैक, जैसा कि आप देख सकते हो। ये रहे मेरे लगेज। अभी टाइम हो रहा है अपना 12:30। तो जस्ट जैसा कि टाइम दिया हुआ है, मेरे को 1 बजे का मेरा पिकअप है, तो थोड़ी सी देर में गाड़ी आने वाली होगी, फिर दिखाएंगे आपको कैसा क्या रहने वाला है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फाइनली मेरी आ गया है ट्रांसपोर्ट। अभी हो गए अपना 1 बज गया है, ट्रांसपोर्ट आ गया है। ये नहीं, अपनी लैंडलॉर्ड आंटी। हाय आंटी। हाय। अब तो बाय का टाइम आ गया, बाय। सो फाइनली निकल रहे हैं हम एयरपोर्ट के लिए। फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय मॉरिशस। फाइनली हम सबके लगेज हो गए हैं रेडी। सो क्या बात है, बस पहुंचने वाले हैं, बस कुछ घंटे और फिर होंगे हम इंडिया में। हाँ जी, तो गाइस देखिए, हो गया, आ गया मैं एयरपोर्ट के अंदर। परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे बाहर बैठ के थोड़ी देर, बट यू नो वो तैयारी नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना अपन अपना लगेज वगैरह हैंड ओवर कराएँ और आगे प्रोसेस जो कि वो करते हैं। तो यहाँ पे हैं अपने सूरज और सोहम। हे गाइस, हाय। ये देखिए, ये आ गया अपना बोर्डिंग पास अपने हाथ में। हे गाइस, फाइनली मेरा इमिग्रेशन जो कि है वो पूरा हो गया है और मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। उन दोनों का बैग जो कि है वो चेक हो रहा है। मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना था एक्चुअली, इसलिए मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। अब देखते हैं, यू कैन सी खूबसूरत। मुझे जाना है गेट नंबर 24, 26, मुझे उस तरफ जाना है। तो अपन चलते हैं अपने गेट की तरफ, वॉशरूम चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है, कैसे कैसे क्या करना है। थोड़ी देर बची है, सोच रहा हूँ कुछ देखते हैं, कुछ खाने का लेना है नहीं लेना है। गाइस, तो अभी 10 मिनट के अंदर जो कि हमारा फ्लाइट जो कि वो गेट खुलने वाला है और अभी वरीशा और बाकी सब लोग उधर बैठे हुए हैं। मैं फिलहाल भाई से वीडियो कॉल पर लगा हूँ। टाइम हो गया अपना 13 और भाई कह रहा है उसको हाई करने का है कैमरे के सामने। भाई भाई आवाज़ मेरे कान में जा रही है आपकी। सो गाइस, फाइनली बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट अपनी। ये देखिए, जस्ट क्यू थोड़ी सी लंबी है लेकिन कोई बात नहीं, अब कुछ देर और फिर फ्लाइट में जल्दी से पहुंचने वाला हूँ इंडिया। बहुत दिनों बाद अब वापस इंडिया जा रहा हूँ, तो देखते हैं सब लोगों को मेरे से मिलके कैसा लगता। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और अब तक अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें। मेरे को ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है और वीडियोज़ बनाने के लिए। फाइनली मैं जा रहा हूँ प्लेन के अंदर। देखो कितने सारे दिख रहे हैं, और ये रहा मेरा प्लेन, देख सकते हो आप। आ रहा हूँ इंडिया में। गाइस, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी क्वेरी हो आपको मेरी इस जर्नी से रिलेटेड, मेरे कोर्स से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट के बारे में जो भी आपको जानना हो और जैसा भी आपको सही लगे, आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे को और मैं आप लोगों को बिल्कुल आपके हर कमेंट के ऊपर आपको जो है वो रिप्लाई दूंगा। तो मैं आ गया हूँ फ्लाइट के अंदर। मेरा केबिन वो है उसके आगे वाला, यानी कि थोड़ा सा पीछे, बट आई थिंक सही रहेगा क्योंकि मे बी वहाँ पे साउंड थोड़ी सी कम होगी अपनी इंजन की। सो दिस इज C29C। Here is our luggage. और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आ रहे हैं पैसेंजर्स और हम
हाँ जी गाइस फाइनली उतर गया मैं बॉम्बे। तो देखो एयरपोर्ट के अंदर जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो फ्लाइट से निकल गया बाहर और अभी थोड़ी सी फ्लाइट शायद लेट थी, टाइम हो गया अपना 1:44। सो अब देखते हैं कितनी और लगती है यहाँ से फ्री होने में। लेकिन We reached. As you can see, we reached. Finally, बड़े टाइम बाद इंडिया वापस आ गए हैं, तो बस कल घर वालों से मिल जाएंगे। You know, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या सीन है। So, ये है अपने रूममेट्स के सारे एड्रेस। हम JW में थे, इनको पता है वेस्टर्न टूरल टूर में बट टूरल बे में था। तो वेस्टर्न वाले भाई मिल गए भाई, वो वाला कहां। हां जी गाइस, as you can see this is all duty free stuff. तो जिन लोगों को ड्यूटी फ्री चाहिए तो जैसे ही निकलोगे एयरपोर्ट से बाहर पूरा ड्यूटी फ्री एवरीथिंग ड्यूटी फ्री, यू नो व्हाट एवर यू वांट टू बाय यू कैन सी। हेलो हे, तो चलिए भाई लोग आ चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। कहाँ से, मॉरिशस से, मदागास्कर से घूमकर 2.5 लाख रुपये आते ज़्यादा खर्च हुए हैं 2 महीने में, बस और कुछ नहीं। भाई से पूछो और क्या हाल है, भाई बताओ। अपने तो मौज काट दी, अपने लगेज पिक करते चलो। फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद मेरे लगेज जो कि वो आ गए हैं। यस, सो आई गॉट माय लगेजेस, दोनों लगेज आ गए हैं। अभी तक तो मेरे को पता भी नहीं है कि बाकी के ये लोग कहाँ हैं, इनका क्या सीन है, बट मेरा सीन ये है कि मेरे पास मेरे लगेजेस आ गए, दोनों लगेजेस देख ठीक ठाक रहे हैं। मगर मैं इसको चौक का निशान क्यों लगा दिया गया है, बाकी सब बढ़िया है। देखते हैं थोड़ी देर रुक के इन लोगों का क्या सीन है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जी तो सब चीज़ें हो गई अपनी क्लियर, अब अपन निकल रहे हैं एयरपोर्ट से एग्जिट की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्या सीन है। हाँ जी गाइस, तो अभी थक गया हूँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट पे था और भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ छोटा मोटा ब्रिटानिया का केक ट्राई किया जाए। अभी भी एयरपोर्ट पे ही हूँ जैसा कि आप लोगों को पता ही है, और देखो मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया है। तो देखते हैं सुबह तक क्या सीन है, क्या क्या और चैलेंजेस फेस करने होंगे मेरे को। पर जैसा भी है वरीक्षा का मेरे को पता नहीं कहाँ पे हैं वो लोग, और मे बी वो उसके घर चली गई, वो उसके घर जाना था उसका। तो अभी आई थिंक टाइम हो रहा है अपना 5 बज गए हैं, तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है अपने लिए कि और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 5 तो बज ही गए हैं, अब देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ आई थिंक 8 बजे यहाँ से निकलूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा सही टाइम पे। लेट्स सी, 8 बजे से पहले सोच रहा हूँ कोई एक मेजर मील ले लिया जाए, क्योंकि पता नहीं ट्रेन में क्या सीन रहेगा मेरा, कैसे मिलेगा मेरे को खाना वगैरह कैसा होगा। तो रास्ते में जिस जो भी ऊबर करूँगा कुछ करूँगा उसको पहले कहीं से टेक अवे कहीं रुक जाएगा वहाँ पे, देखते हैं क्या सीन है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि अब आपको पता है मैं निकल गया हूँ टैक्सी में ऊबर। सबसे पहले मैंने ऊबर ट्राई करी थी, ऊबर हो ही नहीं, तो मैंने फिर लोकल जो टैक्सी होती है वही ले ली। तो अभी हो गए अपने 9:30 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन का टाइम 11 बजे का है। चलिए देखते हैं अब क्या रहता है। अभी बारिश हो रही है ज़ोरदार वाली और ट्रैफिक के हिसाब से भैया बता रहे हैं कि 1 घंटा तो आराम से लगेगा अपन को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता। हाँ जी गाइस, तो फाइनली देखो मैं आ गया हूँ अपनी सीट पे 66।
B3 बोगी नंबर एंड 66. सो सामने एक और ट्रेन खड़ी है, छोटा सा लुक अराउंड. सब स्लीपर कोचेस हैं अपने लिए. अपनी ये वाला है 66 मिडिल वाला. यो मैन चेक आस. चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है हमारा 22-23 घंटे का सफ़र, कितने मज़े आने वाले हैं, क्या क्या हम लोग करेंगे, सब लोग सबको दिखाऊंगा. और मैं कैसे मेरे पार्टनर्स आते हैं नहीं है, जो मेरे अगल बगल में बैठ रहे हैं वो कैसे लोग होते हैं, क्या रहेगा, सब देखता हूँ मैं. हाँ जी गाइस, तो कैसे हो? अभी टाइम हो गया है अपना 3:02 और मैं अभी भी ट्रेन में हूँ. जैसा आपको पता है कल सुबह पहुँचूँगा, तो देखते हैं. अभी मैंने लंच किया था अपना पाव भाजी, वो तो मैं आपको दिखाना भूल गया. डिनर मैंने ऑर्डर करा है डोमिनोज से, तो आपको दिखाऊंगा मैं डोमिनोज से जब ऑर्डर आएगा मेरा तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा. चलिए देखते हैं. फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रेन में डोमिनोज से ऑर्डर करा है, लेट्स सी. हाँ जी गाइस, तो अब टाइम हो गया है अपना 7:08 और जैसा कि आपको पता है मैं ट्रेन में था, तो मेरे साथ जो भैया बैठे हुए थे उनके साथ छोटा सा ऐसा इंसिडेंट हो गया, जिस चक्कर में यू नो उनका पूरा मूड ऑफ हो गया है. सो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जबानी. एक चोर आया यहाँ से चप्पल लेके चला गया, ये भाई देखते रह गए, बोले ही नहीं, बताते तो उसको पकड़ लेते, बांध देते, मारते इधर, उसको अजमेर तक लेके जाते. ये भाई देख रहे वो पहन के जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहे. जब वो पहन के चला गया तब बताए. तुम सो नहीं, तुम जागे थे यार भाई? नहीं, आपके भैया यहीं पे लेटे थे, उनके बगल में से यहीं से गायब. ये मेरे भाई, बड़े भाई, ये देख रहे थे उसको. जब वो चला गया तब बता रहे. आप कहाँ थे ये भी तो बताओ. मैं तो वहाँ बैठ के टिकटॉक चला रहा था. टिकटॉक चला रहा मैं, मुजरा देख रहा था, वो मुजरी ले गया. सो गाइस टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं. मैं निकला था कल 14 तारीख यानी कल मैं निकला था, कल 1 बजे यू नो, कल 1 बजे मैं निकला था और आज के 9 बज गए. थक गया हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, आप दिख ही रहा होगा कैमरा पे यू नो. और ये रहे अपने भाई जिनकी चप्पल चोरी हुई थी, भाई के भाई जिनकी चप्पल चोरी हुई थी, वो कुछ कहना चाहते हैं. चलिए उनकी बात भी सुन लेते हैं बैठे बैठे, क्या कह रहे हैं. हेलो गाइस, हमारा भाई बहुत मेहनत करता है, उसको ज़रा सपोर्ट करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ. बहुत से यूट्यूबर आगे बढ़ गए, हमारे भाई को भी आगे बढ़ाओ. भाई बहुत मेहनत कर रहा है, रात रात भर सोता नहीं है, एडिटिंग में बेचारा ट्रेन में खाली एडिटिंग कर रहा है, कब से परेशान है मैं देख रहा हूँ. उसके बाद भी मेरी चप्पल चोरी हो गई. एडिटिंग करते करते भी चप्पल चोरी हो गई. ये चप्पल इससे काम चला रहे हैं. अब ये गाइस इससे काम चलाना पड़ रहा है. तो मेरे भाई लेके आए थे बैग में चप्पल, उसकी वजह से थोड़ा राहत है, नहीं तो नंगे पैर घूमना पड़ता. ठीक है गाइस, हमारे भाई को लाइक सब्सक्राइब. हाँ जी गाइस, तो अब हो गए अपने 9:45. तो अभी जस्ट ट्रेन रुकी है स्टेशन पे, लेट्स सी. देखता हूँ मैं कि मेरा जो कि है वो डिलीवरी आती है, कैसे आती है, कितने बजे आती है, क्या रहता है, आई डोंट नो. लेट्स सी, होप मेरी सीट तक डिलीवर हो या मेरे पास कोई कॉल या मैसेज आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए. सो देख सकते हो आप भैया आ गए हैं अपन को अपना पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए. एक वो रविराज जी भैया ने देखो हमारा खाना जो कि वो डिलीवर करा दिया है फाइनली. थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए उसके बाद काम दूजा. गया अपने 10 बज गए तो मैं सोने के लिए लेट गया हूँ और खाना मैंने खा लिया. अभी आपको दिखाया जो मैंने डोमिनोज से ऑर्डर किया था वो ठीक है, मतलब मुझे गेट तक जाके लेना पड़ा. बाकी मैंने सोचा था कि शायद वो मेरे एकदम सीट पर ला के पहुँचाएगा, बट इट्स ओके, नया एक्सपीरियंस करने को मिला. यस, कि अपन ये भी ऑर्डर कर सकते हैं ट्रेन में. और अगर आपको जानना है कि मैंने ये सब कैसे किया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके बताऊंगा कि मैंने कहां से कैसे बुक करा था. गुड मॉर्निंग गाइस, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं अभी उठा हूँ, टाइम हो गया है अपना 5:15
ताकि रेडी होंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग? आज अपनी 16 जुलाई, टाइम हो गया है अपना लगभग 5:26। अभी अपनी ट्रेन जो की है पहुंच गई है, दुर्गापुरा रुकी भी है। अब नेक्स्ट स्टेशन अपना है जयपुर जंक्शन, देखते हैं कितनी देर और लगती है इसको अपने स्टेशन पे पहुंचने में। रुकी अभी 5 मिनट तो ट्रेन, और मैंने नींद ले ली है अपनी थोड़ी सी। भाई आ रहा है मेरे को लेने के लिए। आज 6 महीने बाद अपनी गाड़ी चलाऊंगा मैं, यू नो। चलिए मिलते हैं फिर जयपुर जंक्शन पे। हाँ जी गाइस, तो देखो हो रहा है जयपुर जंक्शन, मैं पहुंच गया हूँ फाइनली। ये रही अपनी गाड़ी, भाई जो कि है वो गाड़ी चला रहा है अभी, और ये रहा मेरा लगेज। चलिए आ गए हम जयपुर, फाइनली पहुंच गए, गाड़ी भी आ गई है, हम कुछ मिनट में घर भी जाएंगे, है ना। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे छोटे मोटे फनी कंटेंट देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें।